चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम? 40। वीडियो आप अच्छे से देखना, क्योंकि मैं पार्ट वाइज दूंगा, इस बार क्वेश्चन वाइज दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है इसको, कमेंट भी करना है कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है? इससे बस थोड़ा सा क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर। देखो मैंने पहले ही लिख लिया, राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर। फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 212 का टू बोल रहा है, बताओ। देयर क्रेडिट, आपको इसने क्या करा कि इनका कैपिटल फिक्स्ड दे रखा है। अभी यहाँ फिक्स दे दिया, देखो कैपिटल, तो मैं लिख दूं यहाँ कैपिटल? हाँ सर, कैपिटल लिखो आप। कैपिटल किसका भाई? राम का कैपिटल, और किसका भाई? सोहन का, और किसका? मोहन का। तीन पार्टनर थे, राम श्याम और मोहन। 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स रहता है तो ये बदलता नहीं है, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग का कोई चक्कर नहीं होता। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैं दोबारा भी रिपीट करता हूँ आपको। जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होता है तो कभी इसमें प्रॉफिट वगैरह तो ऐड होता नहीं, तो ओपनिंग क्लोजिंग का कोई चक्कर ही नहीं होता, हमेशा इसी पे इंटरेस्ट दिया जाता है। अब कहता है, इंटरेस्ट पेबल वॉज क्रेडिट टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 250। यहाँ पे प्रॉफिट भी दे रखा है आपको 250, यानी यहाँ पे एक न्यू पॉइंट आ गया प्रॉफिट का, और प्रॉफिट दे रखा है आपको यहाँ पे 2,50,000, है ना? 2,50,000। लेकिन कहता है आपको क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखा है 2:1, लिख देते हैं, चलो 2:1:2, 2:1:2। बस अब क्वेश्चन को करते हैं, चलिए। क्वेश्चन कौन सा है सर आप पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर, हम मेरे असाइनमेंट का तो भाई क्वेश्चन नंबर 40 है, आपके बुक में देख लेना कौन से नंबर पे आता है ये, 40 क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक अच्छा से हमें इसको सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन अच्छा से, पहले प्रॉफिट जो बटा वो गलत बटा, वापसी लो आप पहले प्रॉफिट को। चलो भाई पहले प्रॉफिट को वापस लेते हैं, प्रॉफिट टेकन बैक। चलो कितने? 2,50,000 को 2:1:5, 1 लाख रुपए इससे वापस ले लो। वापस लेने को सर दूसरे मार्कर से करो ना, ठीक है? काफी टाइम से मैं सोच ही रहा था। 1,50,000, 1 लाख, और टोटल यहां क्रेडिट करो, ठीक है? अब इंटरेस्ट भी चल लो ले लो, थोड़ा प्रोसेस लेंदी मैं करवा रहा हूं लेकिन समझ में आना चाहिए रिटर्न में। तो जब मैं रिवीजन करवाऊंगा ना तब इसके शॉर्टकट्स भी बता दूंगा मैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमें क्या लेना है? कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर बड़ा लंबा करा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट था? देखो अब मैं लिखता हूं, दिया 9%, देना था 10%, यही है ना? यही है ना बच्चे? यस, ये वाला हमारा गलत है और ये सही है। तो भाई गलत वाला वापसी लोगे ना, तो जब गलत वाला वापसी लोगे आप तो 9% निकालिए, तो 3 लाख पे 9%, 27,000 रुपये। तो डेबिट करिए वापस, यहाँ वापस करिए 9%, 9,000, यहाँ वापस करिए 18,000। तो 27,000, 9,000 और 18,000, यहां क्रेडिट कर दीजिए 54,000, ठीक है? प्रॉफिट भी वापस ले लिया, इंटरेस्ट। अब मैंने दोबारा सोचा, भाई अब क्या देना है? भाई तुम्हें 10% इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब गिवन है, अब दे दो भाई 10%। तो 10% कितना तुम्हें? 25 में 9%, अच्छा हाँ 10% मिलना चाहिए 30 पे, है ना? 30,000, मैंने सोचा वो 25,000 रुपये होगा। फिर 10% आपको मिलेगा 10,000। ओहो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा ही आसान है ये तो। पहले वापस ले लिया गलती वाली, फिर हमें दे रहे, बस यही तो है, यही तो समझने का फेर है बस, ठीक है? अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, कितना खर्चा हो गया फर्म के लिए, वापसी तो ले लिया, फर्म के लिए खर्चा हो जाएगा हमारा 30, 10, 40 और 20, 30, 10, 40 और 20, 60।
चलिए अब फर्म को कितना प्रॉफिट होता है देखते हैं। 2.5 लाख प्लस 54,000, 3,04,000, 3,04,000, 3,04,000 माइनस में 60,000, 244 बांटना है। हमने बोला कायदे से आपको 244 दे देते हैं, तो प्रॉफिट गिवन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लिया ना, आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बना सकते हो। तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखा तो है 244 × 5 × 2 97 क्रेडिट होगा, 97,600, 48,800 और 97,600। ठीक है बच्चे? हाँ सर ठीक है। चलो कैलकुलेशन निकालते हैं, टोटल किधर है ज्यादा भाई, 1,27 तो 30,000, 97,600 तो ये 1,27, ये टोटल ज्यादा है 1,27,600 है ना, तो यही टोटल इधर लिख देंगे 1,27,600। तो इधर ज्यादा है तो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, कितने से, 1,27 है तो यानी 600 से। इसका देखते हैं, आपका 48, 48 ये है ना, मैं इधर चला गया, मैं वही सोच रहा इतना सारा कैसे मिल गया, मैं इसको से इधर चला गया। तो इसको देखते हैं, ठीक है, तो 59 और ये 58 ही हो रहा, तो इधर का टोटल ज्यादा है 59 और इधर का आ रहा है 48,800 प्लस में 10,000, 58, तो 59 माइनस करेंगे 200 रुपये, तो 200 रुपये ना इधर ज्यादा है डेबिट में। अच्छा जी, इसका क्रेडिट हुआ, इसका डेबिट हुआ, अब इसका चेक करिए, तो 1,18,000 और 9 और 2 17 इधर का ही ज्यादा है, 1,18,000 डेबिट में, 1,18,000 है ना, कितना भाई, 1,18,000 माइनस में 20,000 माइनस 99,600, 400 रुपये डेबिट, 400 रुपये से। तो देखिए बड़ा ही सरल है, हमने जो गलती कर रखी थी वो चीजें वापसी ले ली और उसी चीज को हमने दोबारा बना दिया, ठीक है। और ये पास्ट एडजस्टमेंट जिस साल में गलती करते हैं उस साल में नहीं होता, ये नेक्स्ट ईयर में ही होता है हमेशा, क्योंकि पता ही हमें बाद में चलता है जी। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट कर देंगे इसको और डेबिट कर देंगे दूसरे को, ठीक है। तो जनरल एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। क्रेडिट कौन होगा भाई, आर, डेबिट होगा एस और एम, तो एस कैपिटल, एम कैपिटल, बिल्कुल सही, फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल तो लिखना ही नहीं है, करंट लिखना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, जो नहीं सोच रहे ध्यान दो भाई आप, यहाँ पे करंट और टू आर्स कैपिटल, तो एस कैपिटल में कितना जाएगा भाई, 200, 400, 400 और यहाँ आ गया 600, एंट्री पास, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करिए आप, तो आपका ये था क्वेश्चन नंबर 40, 200, यहाँ पे श्याम कैपिटल डेबिट 200, मोहन 400 और राम, ठीक है, आंसर भी बिल्कुल ठीक है, कई बार आंसर में मिसप्रिंट भी होता है तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको नोट करिए आप।